आष्टा वन विभाग द्वारा अवैध रूप से चल रहे फर्नीचर कारखाने पर मारे गए छापे में 2.5 से 3 लाख के अवैध सागवान से बना सामान जब्त। बड़ी मात्रा में दरवाजे, खिड़कियों के पल्ले, सागवान की सिल्लियां बरामद। आष्टा वन विभाग को मिली सफलता। आष्टा तहसील के ग्राम बटोनी में लंबे समय से रमेश विश्वकर्मा द्वारा अवैध रूप से लाई गई सागौन से फर्नीचर बनाने का काम किया जा रहा था। आरोपी रमेश विश्वकर्मा ने फर्नीचर बनाने का लाइसेंस लेकर अवैध रूप से कटर मशीन लगा कर जंगल से सागवान की लकड़ियों की चराई की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर आज आष्टा वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई है। वन विभाग अमले को देखते ही आरोपी रमेश विश्वकर्मा फरार हो गया। भारतीय न्यूज के लिए अब्दुल रऊफ खान की रिपोर्ट। ये माल का अभी पता करेंगे हम कि किस क्षेत्र का है, अभी हम वो पता नहीं कर पाए हैं। जांच का विषय है, वो जांच में आ जाएगा। इसका कारखाना चल रहा था तो इसका कोई लाइसेंस वगैरह है? इसके पास यह विनिर्माता का लाइसेंस है, 2019 का लाइसेंस का बना हुआ है और 2020 का भी इसने अप्लाई किया है, वो भी इसको प्राप्त हुआ है। किंतु इसके पास जो माल अभी ये मिला है, ये पूरा गीला माल मिला है और गीला माल जो है वो कहीं भी डिपो से या शासकीय क्षेत्र से प्राप्त नहीं होता है। कितने क्या क्या लगे हैं इसमें? जो है करीब 9 हम दरवाजे लेके आए हैं, 4 पल्ले छोटे वाले अलग हैं, इसके अलावा 17 उसके खिड़कियों के पल्ले हैं और करीब 50 से 60 नग जो हैं सिल्लियाँ अलग से बनी हुई हैं। ये सर्कुलर है जो है, ये इतना हमारा जो उसमें कटर वगैरह लगा रहा है, इसका कोई लाइसेंस है क्या उनके पास? नहीं, कटर का इसका लाइसेंस नहीं है, यही पूर्ण रूप से अवैध था। कितनी कीमत होगी टोटल माल जो हमने जब्त किया है, इसकी करीब कीमत 2.5 से 3 लाख होगी। लाइसेंस बिल्कुल उसका लाइसेंस जो है हम डीएफओ साहब से बोल के उसका निरस्त करवाएंगे। आरोपी गिरफ्तार हुआ है? आरोपी मौके से फरार हो गया है, वो नहीं मिला। आरोपी एक ही है? आरोपी एक ही है। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।